Hello everyone, welcome to the Kapil Classes for English. Let's start the class. And today our class belongs to a word is advice. आज हम बातचीत करेंगे सलाह के बारे में. ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा बोलता है और यूजुअली लोग ऐसा करते हैं. हर कोई आपको एडवाइस देता हुआ मिला है, कोई कुछ भी कर रहा हो और कोई आपको सलाह देकर चला जाएगा. सो इसीलिए हम इस वर्ड के बारे में बात करेंगे कि आज हम इंग्लिश में किसी को सलाह किस तरह देते हैं. ठीक है, सबसे पहले इस वर्ड को शुरू करने से पहले देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ ए डी वी आई सी ई और एक वर्ड होता है ए डी वी आई एस ई, एक वर्ड होता है ये. अब दोनों में अंतर क्या होता है देखिए, दोनों वर्ड्स की मैं बात करूं तो ये वर्ड जो है ये तो नाउन होता है और ये होता है वर्ब यानी कि एक्शन होता है. इसका मीनिंग होता है सलाह देना और इसका मीनिंग होता है ओनली सलाह. ये नहीं, इंग्लिश में ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस ई लगा रहता है वो वर्ब होते हैं, जिनके लास्ट में सी ई लगा रहता है वो नाउन होते हैं. जैसे एक वर्ड और लिखना चाहूंगा मैं, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दो वर्ड है, ये नाउन होता है, ये होता है अभ्यास और ये वर्ब होता है. इसका मतलब वर्ब हो या एक्शन बोल लीजिए, इसका मतलब होता है अभ्यास करना. तो जितने भी वर्ड्स होते हैं एस सी और सी वाले, मैक्सिमम बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, वो किसी दिन क्लास आएगी सब क्लियर हो जाएगा. फिलहाल बस ये देख लेते हैं ये नाउन होता है ये वर्ब होता है, दोनों का यूज़ किस तरह करना है. अगर मुझे बोलना है मैं आपको सलाह दूंगा, सो आई विल, अगर ये वाला लिखेंगे तो बोलेंगे आई विल एडवाइज यू. बोलने में लगभग एक ही, आई विल एडवाइज यू. अगर ये वाला बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा आई विल गिव यू एडवाइस. आई विल गिव यू एडवाइस, मैं आपको सलाह दूंगा, ये आप ध्यान रखना. तो दोनों वर्ड्स में केवल ये अंतर होता है, एक नाउन होता है एक वर्ब होता है. ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं क्लास, सलाह किस तरह हम इंग्लिश में देते हैं. और ये सलाह बहुत अच्छा टॉपिक है, यूजुअली बहुत बोलता है, आपने देखा होगा तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए. सलाह देने के साथ साथ आप अपने व्यूज़ भी इस पर शेयर कर सकते हैं, जैसे अपने व्यू बता सकते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस इंडिया से चला चलना चाहिए, कोरोना वायरस इंडिया से जाना चाहिए, इंडिया मैच जीतनी चाहिए. अब सलाह थोड़ी दे रहे हैं, ये तो अपने व्यू बता रहे हैं कि ऐसा भी होना चाहिए. तो अपने किसी को सलाह देना, अपने व्यू बताना, इन सब चीजों के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड शुड. फिर नाउ आई एम टेलिंग यू, एल इज साइलेंट हियर, कोई इसे शुड नहीं बोलेगा, ए शुड. और अगर वैसे तो इंग्लिश हिंदी वर्ड इस तरह लिखना सही नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लिख दूंगा इसका मीनिंग होता है चाहिए. वैसे ये गलत होता है, गलत तो नहीं लेकिन इस तरह लिखना समझना नहीं, समझना तो ये है कि जहाँ भी किसी को सलाह देनी है उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने इसलिए लिखा हुआ है. ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और वैसे भी मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बिन अ लॉन्ग टाइम यू हैव बिन स्टडिंग विद मी एंड आई जस्ट टोल्ड यू सिंपली इन द बिगिनिंग ऑल्सो के इफ़ यू आर स्टेइंग विद मी यू विल द होल टॉपिक्स होल वर्ड्स ऑल रूल्स विल बी वेरी इजियर फॉर यू. कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो सारे रूल्स सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगी इंग्लिश में. ठीक है, तो अगर मैं शुड की बात करूं तो कोई भी काम, अगर मुझे किसी को सलाह देनी है, सलाह ऑब्वियस बात है हम सामने वाले को देते हैं और हाँ अपने आप को भी देते हैं कभी कभी, लेकिन फिलहाल सामने वाले की बात करते हैं. अगर मुझे किसी को सलाह देनी है तो कुछ नहीं करना, एक्शन मैंने आपको बता ही रखा है, कोई भी काम होता है एक्शन या वर्ब, बस यहाँ पर शुड ऐड कर दीजिए. कोई भी काम अगर आपको करना है तो क्या बोलेंगे, यू शुड एक्शन. आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश. आपको टाइम पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम. यू शुड कम ऑन टाइम यानी कि किसी को सलाह देने के लिए, सजेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं. सिंपली अगर मैं बात करूं सजेशन के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं. जैसे आपको टाइम पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम. आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश. आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली. ठीक है, और अगर अपने व्यू बताने चाहें, लाइक इंडिया मैच जीतनी चाहिए, अब इंडिया को सलाह थोड़ी दे रहे हैं, इंडियन टीम खेल रही है मैच तो आप वहाँ सलाह थोड़ी दे रहे हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हैं इंडिया शुड विन द मैच, इंडिया मैच जीतनी चाहिए. तो ये आप उनको सलाह नहीं दे रहे, ये अपना पॉइंट बता रहे हैं आप कि हाँ भाई मेरा मानना ये है कि ऐसा काम होना चाहिए, तो इंडिया शुड विन द मैच. बहुत बोलता है ये वर्ड, किसी के लिए बोल सकते हैं, लाइक बस आनी चाहिए तो बोल सकते हैं बस शुड कम. लॉकडाउन जाना चाहिए, लॉकडाउन शुड गो. लॉकडाउन शुड बी रिमूव्ड, वो तो पैसिव बनाना पड़ेगा. सिंपली एक्टिव बना सकते हैं, लॉकडाउन शुड गो फ्रॉम इंडिया, या कोरोना वायरस शुड गो फ्रॉम इंडिया. कोरोना वायरस जो है इंडिया से वो जाना चाहिए. तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए तो क्या बोल सकते हैं, यू शुड हेल्प मी.
मेरी मदद करनी चाहिए, तो यू शुड हेल्प मी। जैसे लोग बाग आजकल हेलमेट नहीं पहनते हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो बोल सकते हैं आपको मास्क लगाना चाहिए, तो क्या बोल सकते हैं, यू शुड पुट ऑन द मास्क, आपको मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, तो किसी को कोई भी सलाह देनी चाहिए, सिंगुलर प्लूरल हो सबसे आसानी से लिए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी के सबके लिए ही आप ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे बारिश पड़नी चाहिए, बारिश पड़ने के लिए मौसम के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट, तो बोल सकते हैं इट शुड रेन, बारिश पड़नी चाहिए। कोई भी काम अगर मुझे किसी को सलाह देनी है तो सिंपली हम उसके लिए शुड का यूज़ करेंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प मी। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, यू शुड गो टू दिल्ली। तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज, ये एक्शन है जो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू शुड नॉट अब्यूज, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट राइड फास्ट, राइड बाइक फास्ट, आपको जो है राइड द बाइक फास्ट, आपको जो है बाइक तेज नहीं चलानी चाहिए, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूँ। यू शुड पुट ऑन द हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, आपको टैक्स देना चाहिए, यू शुड पे द टैक्स, आपको टैक्स देना चाहिए। कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं आप, जैसे आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली, आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, यू शुड प्रे टू गॉड, होता है भगवान की पूजा करना, और क्या हो गया, आपको जंक फूड नहीं खाने चाहिए, यू शुड नॉट ईट फास्ट फूड या जंक फूड, आप बोल सकते हैं फास्ट फूड या जंक फूड, आपको फास्ट फूड और जंक फूड नहीं खाने चाहिए। कितने भी जिसको कोई भी अगर आपको सलाह देनी हो तो आप इस तरह से बोलते हैं। आप देखो, एक तरह तो आपको चुगली नहीं करनी चाहिए, यूजुअली ऐसा करते हैं बहुत लोग, तो बोल सकते हैं यू शुड नॉट टैटल, टैटल का मतलब होता है, ये एक्शन है जो रोज़मर्रा की लाइफ में आप किसी को भी सलाह दे सकते हैं, यू शुड नॉट टैटल, टैटल का मतलब होता है चुगली करना। और एक और होता है बैक बाइट, आपको चुगली नहीं करनी चाहिए, बैक बाइट बोल सकते हैं, चुगली मीन्स किसी के बारे में बुरा और भला नहीं कहना चाहिए, ज़्यादा उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, तो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं चुगली करना। तो यू शुड नॉट बैक बाइट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दवाई टाइम पे खानी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, यू शुड मीट द डॉक्टर बोलते हैं हम यूजुअली, लेकिन यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं, यू शुड सी द डॉक्टर। देखिए, सी के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है, तो बोल सकते हैं यू शुड सी द डॉक्टर। ठीक है, तो कोई भी काम, जो भी काम हमें करना चाहिए तो उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, किसी को भी सलाह दे सकते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अच्छा, सवाल पूछना हो इसमें, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, तो शुड पहले लगा लीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुड आई टॉक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, हाँ तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम। तो शुड का बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बोलता है और ये, ठीक है, तो शुड का यूज़ कहीं भी किसी की सलाह देने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सपोज एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम के दौरान किसी ने सलाह नहीं मानी आपकी या नहीं बोल रहे हैं, तो एक सलाह ऐसी है, थोड़ा सा हम फोर्सफुल्ली से बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए एक वर्ड का हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बींग। बींग की अगर मैं बात करूँ तो बींग हम लगाते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा है, तो मैं एक और उसको थोड़ी सी पर्सनली या फोर्सफुली बोल सकता हूँ, या और अच्छे से सलाह मैं उसको कह सकता हूँ कि अगर आप पढ़ नहीं रहे, कि एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते आपको पढ़ना चाहिए। क्या बोलते हैं ना, एक अच्छे बच्चे होने के नाते आपको गाली नहीं देनी चाहिए, एक अच्छा बच्चा होने के नाते आपको पढ़ना चाहिए, एक अच्छा दोस्त होने के नाते आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए, तो उसके लिए बींग लगा सकते हैं। जैसे बींग ए गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त होने के नाते बींग ए गुड फ्रेंड, या बींग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते, या बींग ए गुड टीचर, एक अच्छा टीचर होने के नाते, या बींग ए गुड सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन होने के नाते, या बींग ए गुड वट एवर इज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात आ जाएगी, फिर यू शुड एक्शन आप बोल सकते हैं, यू शुड एक्शन, यानी कि एक अच्छा दोस्त होने के नाते आपको मेरी मदद करनी चाहिए, बींग ए गुड स्टूडेंट, यू बींग ए गुड फ्रेंड, यू शुड हेल्प मी, एक अच्छा स्टूडेंट होने आता हूँ आपको पढ़ना चाहिए, बींग ए गुड स्टूडेंट, यू शुड स्टडी। तो शुड का यूज़ हम इस तरह कर सकते हैं किसी को सलाह देने के लिए। अब अगेन आई एम टेलिंग यू, एक ही वर्ड्स को बोलने की बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, शुड का तो हम यूज़ करते ही करते हैं, शुड के साथ साथ इसमें एक नया वर्ड और आता है जिसका यूज़ करते हैं, जिस वर्ड का नाम है दैट इज़ कॉल्ड मस्ट, और ये मॉडल का पार्ट होते हैं, मस्ट। मस्ट ये जरूरी की सेंस जनरेट करता है, और किसकी जगह यूज़ करता है, जो बात आपके लिए कंपल्सन हो, कंपल्सन मतलब जो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी हो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कंपल्सन के लिए यूज़ करते हैं, ड्यूटी के लिए, जो काम करना आपकी ड्यूटी है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे
बोल सकते हैं यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये क्या है, ये हमारी ड्यूटी भी है। जैसे यू मस्ट सेव वाटर, आपको पानी बचाना चाहिए, यू मस्ट सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी, ये हमारी ड्यूटी भी है, सलाह भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो हम जहाँ मस्ट यूज़ करते हैं या शुड यूज़ करते हैं वहाँ मस्ट यूज़ नहीं कर सकते, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आपको डीप में जाना पड़े या फिर कुछ ऐसी बात आ जाए जहाँ मजबूरी हो, या ये इसके लिए आप बोल सकते हैं, वरना तो दोनों लगभग लगभग एक सा ही मीनिंग जनरेट करते हैं, बस जो जरूरी की सेंस आ जाए वहाँ ड्यूटी है, ये आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। जैसे यू मस्ट पे फी, यू मस्ट पे फी टू अवॉइड फाइन, यानी कि आपको जो फी है वो, यू मस्ट पे फी ऑन टाइम लिख सकते हैं, यू मस्ट पे फी ऑन टाइम टू अवॉइड फाइन, यानी कि आपको फी टाइम पर जमा दे कर देनी चाहिए वरना आपको फाइन लगेगा, तो ये क्या है, ये आपकी मजबूरी हो जाती है फी को टाइम पर भरना। तो ये कंपल्शन को भी शो करता है, मस्ट सर्टेनिटी को भी शो करता है, अगर सर्टेनिटी की बात करूँ, मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया हो, भाई मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया था और मेरा फ्रेंड आने वाला, उसने कहा मैं आने वाला हूँ, ही मस्ट बी माई फ्रेंड एट द डोर, पक्का वो डोर पक्का दरवाजे पर वो मेरा दोस्त होगा, क्योंकि मैंने उसे बुलाया, उसने बोला मैं आ रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ये सर्टेनिटी को भी शो करता है, ही मस्ट बी माई फ्रेंड एट द डोर। तो ये आप सर्टेनिटी के लिए भी मस्ट का यूज, एक ही वर्ड्स को बोलने की कई सारी फीलिंग्स आती है, शुड हो गया, मस्ट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है ought to, ought to की अगर मैं बात करूँ तो ये भी चाहिए की सेंस जनरेट करता है, लेकिन ये कहाँ यूज़ होता है, जब मॉरलिटी की बात आती है, मॉरलिटी की मतलब नैतिकता की बात आती है, वहाँ इसका हम यूज़ करते हैं, नैतिकता की बात आती है, नैतिकता यानी कि जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, सॉरी यू ऑट टू सर्व योर कंट्री, सर अपने आप को देश की सेवा, आपको देश की सेवा करनी चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं यू ought to obey your parents, obey का मतलब होता है किसी की कोई बात मानना, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, obey your parents, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो ये नैतिकता को भी शो करता है, ought to नैतिकता को शो करता है, चाहिए के सेंस लगभग लगभग तीनों के तीनों मॉडल जितने भी हैं चाहिए के सेंस जनरेट करते हैं, लेकिन यूज थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें। और अगर मैं बात करूं ought to की, देखिए इसका याद रखना, ये स्पीकिंग में अगर बोलने की बात करूं तो स्पीकिंग में ये बोलता नहीं है, ये आप ध्यान रखना, स्पीकिंग आप इसे ना बोलें और ये बोलता भी नहीं है, तो सर आप पढ़ा क्यों रहे जब ये बोलता नहीं है, देखिए वी मस्ट नो में पता जरूर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग में, बुक्स की रीडिंग में, मैगजीन्स की रीडिंग में आपको लिखा मिल जाएगा, आप वहाँ पढ़ रहे हो, मैंने आपको बताया नहीं तो आप सोचेंगे कि सर ने हमें ठीक से पढ़ाया नहीं, तो इसीलिए भले ही आप ये यूज़ होता हो ना होता स्पीकिंग में, लेकिन इसका हमें पता होना चाहिए, तो ये मॉरलिटी को शो करता है। जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऐसे बोल सकते, सॉरी यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, या यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स लिख लो, एल्डर्स लिख लो अपने बड़े का, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये सब क्या होता है, ये मॉरलिटी को शो करते हैं, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लेकिन ये बोलता नहीं है, इसके लिए आप मस्ट या शुड का यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, समझ आया। और कहीं कहीं तो मैं बात करूँ तीनों के तीनों ही बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ यू शुड बोल लीजिए उसके लिए, या यू मस्ट बोल लीजिए, या यू ऑट टू बोल लीजिए, तीनों में से कुछ ही बोल सकते हैं। जैसे यू ऑट टू सेव वाटर, ये हमारा किसी, हम किसी को सलाह भी दे सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी भी है, और ये हमारा हमारा नैतिकता, हमारा कर्तव्य भी है ये, तो तीनों में से कुछ भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आप ऑटो यूज़ कर लीजिए, मस्ट यूज़ कर लीजिए, या शुड यूज़ कर लीजिए, तीनों में से कुछ भी यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा जो स्पीकिंग में बोलता है वो शुड बोलता है, उससे थोड़ा सा कम मस्ट बोलता है, लेकिन ऑटो नहीं बोलता, ये आप थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन शुड और मस्ट में से कोई भी आप बोल सकते हैं, जब कोई चीज़ ज़रूरी की बात आए कि आपको ये काम जरूरी करना चाहिए तो उसके लिए हम मस्ट का यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिए। मस्ट नोट भी आ जाएगा, लाइक यू मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स, आपको रूल्स जो है वो तोड़ने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी वर्ड से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है एक वर्ड जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके तीनों मॉडल्स थे,
छोटे मॉडल थे, काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं, यूज इनका आपको करना है। अब एक वर्ड के बारे में बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड सपोज। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूजुअली हम इसे बोलते ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्यों है वो इंपॉर्टेंट वर्ड? आपने बहुत लोगों को सुना होगा, चाहे वो इंग्लिश बोलते हो ना बोलते हो, लेकिन बहुत लोगों को बोलते सुना करो, सुना होगा आपने, सपोज़ करो ऐसा हो जाए, सपोज़ करो वो हो जाए, सपोज़ कर ऐसा हो जाए, सपोज़ कर बारिश हो जाए, तो हम ऐसा बोलते हैं, सपोज़ करो ऐसा हो जाए, सपोज़ करो वैसा हो जाए। अरे सपोज़ का मतलब ही होता है मान लो, तो सपोज़ के साथ कभी भी आप करो वर्ड का यूज़ ना करें। आई हैव सीन ए लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे स्पीक सर सपोज़ करो ऐसा हो जाए, सपोज़ करो ऐसा हो जाए, बट यू मस्ट नॉट स्पीक सपोज़ करो, आपको नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, सपोज़ इट हैपन्स, मान लो ऐसा होता है, सपोज़ इट हैपन्स, इट हैपन्स का मतलब होता है ऐसा होता है, इट ऐसा होता है, ठीक है। तो सपोज़ का यूज़ कभी भी आप, सपोज़ सिंगल यूज़ होगा, सपोज़ के साथ कभी भी करो का यूज़ नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि सपोज़ का मतलब ही मान लो होता है। अब मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, अगर मैं किसी फॉरनर से मिलूँ जो इंग्लिश बोलता है, जिसको हिंदी ना आती हो, अगर वो इस वर्ड का यूज़ करने लगे तो वो क्या बोलेगा, सपोज डू या डू सपोज? नो, इट्स अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, यू आर नॉट सपोज टू, आपको नहीं करना है, सिंपली क्या बोलना है आपको, सपोज इट हैपन्स, सपोज ही कम्स, सपोज वो आ जाए तो, सपोज आई गो देयर, सपोज मैं वहाँ चला जाऊँ, सपोज आई एक्शन बोल दे इसके लिए, सपोज आई एक्शन बोल सकते, सपोज आई गो देयर, सपोज वो आ जाए, सपोज ही कम्स, वो आ जाए, यहाँ पर कुछ भी जो भी है वो आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए कभी भी आप सपोज करो नहीं बोलेंगे। बहुत लोग मैंने देख लिया इसको गलत बोलते हैं, सपोज करो ऐसा हो जाए, सपोज करो वैसा हो जाए, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है। देखिए जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो यू मस्ट नो द प्रॉपर यूज़ ऑफ इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक द करेक्ट इंग्लिश। आपको पता होना चाहिए कि ठीक से इंग्लिश किस तरह बोलनी है। इंग्लिश बोलने का मतलब, मैं यूजुअली क्लास में बोलता ही हूँ, दोज आर माई रेगुलर स्टूडेंट्स, दे मस्ट बी नोइंग, उनको पता ही होगा कि मैं क्या, मैं एक बात बोलता हूँ जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ, कि इंग्लिश बोलने का मतलब बस इंग्लिश बोलने से नहीं है, इंग्लिश बोलने का मतलब होता है एक इंप्रेसिव इंग्लिश बोलने से। यानी कि जब आप इंग्लिश बोलें, देखिए शुरुआत में तो ठीक है जैसा आप बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब भी आप इंग्लिश बोलें, जो भी आपको इंग्लिश बोलते हुए सुने, सो ही मस्ट नो, उसे लगना चाहिए कि हाँ आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं दैट हैज़ लेवल, उसका एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है, और एक अच्छी इंग्लिश आप बोल रहे हैं। ऐसा ना आप इंग्लिश बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है आपको, बस चलो ठीक ठाक है, नहीं ऐसा नहीं। उसके लिए क्या चीज़ें जरूरी होना है, उसके लिए हमारे पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हमारी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो शुरुआत में तो आप जैसी बोलो नो प्रॉब्लम, शुरुआत के 15-20 दिन आप टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा मोमेंटम आता है, थोड़ा सा फ्लो मिलता है, फिर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को अपनी लाइफ में जोड़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, तो हम वर्ड के बारे में बात करते हैं, सपोज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा वर्ड है, और ये शुड की जगह भी यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ तो ये शुड की जगह यूज़ होता है, यानी कि ये भी चाहिए कि सेंस जनरेट करता है, और बहुत लेटेस्ट है। लेटेस्ट तो आपको लगेगा क्योंकि शायद आपने सुना ना हो, सुना है तो अच्छी बात है, लेकिन शुड की जगह बहुत बोलता है। लेकिन ये बोलता क्या इस तरह से है, ये बोलता है इस तरह से, यू आर सपोज्ड, ईडी सपोज टू एक्शन, ये ईडी जरूर लगेगा, ये ध्यान रखना। इसका मतलब है आपसे उम्मीद की जाती है किसी काम को करने की, लेकिन मतलब इसका यही है, यू शुड एक्शन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मना करना तो नोट आ जाएगा, यू शुड नोट टेल, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर नोट यहाँ पर आ जाएगा, और ये शुड की जगह ही बोलता है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में भूलने वाला अगर शुड को लेकर के टॉपिक है, सलाह देने वाला टॉपिक है, या तो मस्ट होता है या फिर उसके बाद सपोज टू आता है, फिर शायद मस्ट बाद में आता है, या तो शुड या फिर सपोज। तो बोल सकते हैं यू आर नॉट सपोज टू टेल ए लाई, अभी मैं बोलता भी रहता हूँ, आपने सुना भी होगा, यू नॉट सपोज टू स्पीक हिंदी इन द क्लास, आपको क्लास में हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू टेल ए लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू लाइक बिहेव लाइक दैट, आपको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। जैसे इंडिया इज सपोज टू विन द मैच, इंडिया इज सपोज टू विन द मैच, इंडिया को मैच जीतना चाहिए, सपोज टू विन द मैच, इंडिया को मैच ये जीतना चाहिए, आप ऐसे कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप, तो ऐसा बोल सकते हैं, बीइंग ए गुड इंडियन यू शुड सर्व योर नेशन, एक अच्छा भारतीय होने के नाते आपको अपना नेशन सर्व करना चाहिए। बीइंग ए गुड फ्रेंड यू आर सपोज टू, कहीं भी लगा सकते हैं, बीइंग अ गुड फ्रेंड
यू आर सपोज टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए. बींग ए गुड सिटीजन, यू आर नॉट सपोज टू पोल्यूट द एनवायरमेंट, ऐसा बोल सकते हैं. बींग ए गुड इंडियन लिख लीजिए, फ्रेंड लिख लीजिए, या बींग ए गुड मैन लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम. बींग ए गुड मैन, यू आर नॉट सपोज टू पोल्यूट द एनवायरमेंट. पोल्यूट द environment, एनवायरमेंट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं. एनवायरमेंट तो बोल सकते हैं. यू आर नॉट सपोज टू, सपोज टू मिस हो गया यहां पे. बींग ए गुड सिटीजन तो क्या बोलेंगे. बींग ए गुड मैन, यू आर नॉट सपोज टू पोल्यूट द एनवायरमेंट. एक अच्छा इंसान होने के नाते आपको जो हमारा एनवायरमेंट है उसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट वेस्ट, यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट वाटर, आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. सलाह दे सकते हैं किसी को भी. यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, हो सकता है करंट हो सकता है. यू मस्ट यूटिलाइज द टाइम, आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए. पे हीड, पे हीड का मतलब क्या होता है आपको. यू मस्ट पे हीड ऑन योर स्टडी, आपको अपनी स्टडी पे ध्यान रखना चाहिए. तो बोल सकते हैं यू मस्ट पे हीड ऑन योर स्टडी, या यू आर सपोज टू पे हीड ऑन योर स्टडी. एक इसी में बहुत अच्छा वर्ड है, आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कीप एन आई. ये वर्ड आपने सुना, कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना. कीप एन आई तो बोल सकते हैं यू मस्ट कीप एन आई ऑन माई बैग. ऐसा कुछ अगर कहीं जा रहे हैं हम बोल सकते हैं फ्रेंड से, एक्चुअली आई एम गोइंग समवेयर एल्स, यू मस्ट कीप एन आई ऑन माई बैग, यानी कि मेरे बैग पर नजर रखना. बहुत अच्छी फ्रेज है. तो बोल सकते हैं कीप एन आई ऑन माई बैग, कीप एन आई ऑन योर फ्रेंड, कीप एन आई ऑन योर करियर, अपने करियर पर नजर रखो. कीप एन आई ऑन योर बैग, अपने बैग पर नजर रखो. सपोज हम कहीं जा रहे हैं तो माहौल नहीं होता, कई बार हम बोल सकते हैं जैसे ये माहौल, यहाँ जगह बैठने वाले लायक नहीं, मैंने आपको बैठा रखा है, टॉपिक को पढ़ा रखा है, दिस प्लेस इज नॉट वर्थ सिटिंग. कीप एन आई ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर ध्यान रखो. या कीप एन आई ऑन योर बैग, अपने बैग पर ध्यान रखिए. कीप एन आई ऑन माई मोबाइल फोन, मेरे मोबाइल फोन पर नजर रखना. तो उस तरह की सेंस है, बहुत अच्छी फ्रेज आप बोल सकते हैं. तो बोल सकते हैं आई एम गोइंग समवेयर एल्स. मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब देखिए, मैं आपने देखो होगा मैं बहुत यूज करता हूँ इस वर्ड को. मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब क्या होता है. मीनवाइल का मतलब है जब तक, जैसे WHILE, मीनवाइल. तो क्या होता है, इस तरह बोल सकते हैं आई एम गोइंग समवेयर एल्स, मीनवाइल यू मस्ट कीप एन आई ऑन माई बैग. या कमांड भी दे सकते हैं यहाँ पर, आई एम गोइंग समवेयर एल्स, मीनवाइल कीप एन आई ऑन माई बैग, मैं कहीं जा रहा हूँ मेरे बैग पर ध्यान रखना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं. तो ये था हमारा एडवाइस का टॉपिक. इसमें बी भी लग जाता है कई बार, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ही के लिए इज आ जाएगा, आप ध्यान रखना, ही के लिए इज आ जाएगा. इंडिया इज सपोज टू, ऐसा कुछ बोल सकते हैं. इंडिया, सॉरी, सपोज आपने मेरी सिंगुलर के लिए इज आ जाता है, नो प्रॉब्लम. इंडिया इज सपोज टू विन द मैच. हाँ, ये लिखा दोबारा, चलो मैंने नो प्रॉब्लम दोबारा लिख दिया है, नो प्रॉब्लम. सिंगुलर के लिए इसमें इज आ जाता है, ठीक है. कहीं भी लिख सकते हैं, ही सपोज टू हेल्प मी. लाइट आनी चाहिए, करंट इज सपोज टू कम. बारिश आनी चाहिए, इट इज सपोज टू, वो तो अलग टॉपिक हो जाए. इट मस्ट रेन बोल दिए उसने, ठीक है. या बोल सकते हैं इट इज सपोज टू रेन, नो प्रॉब्लम बोल लीजिए. इट इज सपोज टू रेन, बारिश पड़नी चाहिए, ठीक है. तो ये इसका टॉपिक होता है. अब इसमें कभी कभी बी भी लगा देते हैं. मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था, यू मस्ट बी स्टडिंग एट दिस टाइम, आपको इस टाइम पढ़ते रहना होना चाहिए, ठीक है. देखिए इसमें बी भी लगा देते हैं कभी कभी हम, और बी कहाँ लगाते हैं, केवल दो के साथ, ये तो शुड के बाद या मस्ट के साथ, बाकी ओट टू और उसके साथ मत लगाना. और इनके प्लस बाद हम बी लगा देते हैं, और फिर उसके बाद वर्ब में आई एनजी जाएगा, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस मस्ट, और ये सेंस, अगर मैं स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो सेंस ही वही जनरेट करेंगे, यू मस्ट स्टडी या यू मस्ट बी स्टडी. बस ये थोड़ा और फोर्सफुल हो जाता है कि इस टाइम आपको पढ़ना होना चाहिए. जैसे यू मस्ट बी, एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम दो दिन बाद एग्जाम है, और कोई बच्चा खेल रहा है, तो उस टाइम से क्या बोल सकते हैं, यू मस्ट स्टडी. तो बोल उस यू मस्ट स्टडी तो आप बोल ही सकते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होना चाहिए कि तुम्हें तो इस टाइम पढ़ते रहना होना चाहिए. तो बोल सकते हैं यू मस्ट बी स्टडिंग एट दिस
टाइम, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं. ही यू शुड भी बोल सकते हैं. यू शुड बी हेल्पिंग मी नाउ, आपको मेरी इस टाइम पे यू शुड बी हेल्पिंग मी नाउ, अब आपको मेरी मदद करनी होनी चाहिए. यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि एट द सेम टाइम अगर आप किसी आंखों के सामने देखें, देखिए मैंने आपको बोला आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है, जब आप बाइक पे जाएंगे तभी तो हेलमेट पहनेंगे, हमेशा हेलमेट पहन के घूमेंगे नहीं. लेकिन अगर आप मुझे एट द सेम टाइम, मैंने आपको देखा कहीं आपसे मिला और आपने उस टाइम पे बाइक पर चला रहे हैं और बाइक पर आप हेलमेट नहीं पहन रखा, तो एट द सेम टाइम प्रेजेंट की सलाह मैं आप इस तरह भी दे सकते हैं. यू मस्ट बी पुटिंग ऑन द हेलमेट, आपको इस टाइम पे हेलमेट पहनना चाहिए. यू मस्ट नॉट बी कमिंग आउट एट दिस टाइम, आपको इस टाइम पे बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, नोट है तो बोल सकते हैं. यू मस्ट नॉट बी कमिंग आउट नाउ एट दिस टाइम, यानी कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ऐसा बोल सकते हैं. यू मस्ट नॉट बी कमिंग आउट ड्यूरिंग लॉकडाउन, ऐसा भी कुछ आप बोल सकते हैं. यानी कि इस लॉकडाउन के दौरान आपको, ड्यूरिंग का मतलब लॉकडाउन दौरान होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान. ठीक है, तो बोल सकते हैं यू मस्ट नॉट बी कमिंग आउट ड्यूरिंग लॉकडाउन. तो आप शुड बोल लीजिए, शुड बी बोल लीजिए, मस्ट बोल लीजिए, मस्ट बी बोल लीजिए, सबका मतलब लगभग स्पीकिंग में एक ही होता है. अगेन आई एम टेलिंग यू माई वर्ड्स, शुड सलाह देने के लिए, मस्ट ड्यूटी के लिए, कंपल्शन के लिए, यानी कि आपकी जो काम करना है ड्यूटी है या फिर कोई मजबूरी है या फिर आप सर्टेन है किसी काम के लिए, निश्चित आप किसी काम के लिए, तो के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं. दोनों चाहिए और शुड चाहिए की सेंस जनरेट करता है, मस्ट जरूरी की सेंस जनरेट करता है. ought to जो है ought to बोलता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, और यू आर सपोज टू एक ही सेंस जनरेट करता है शुड वाली. लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोलता, और उसके बाद ये बी वाला मैंने बता चुका हूँ मैं, सबसे ज़्यादा शुड और सपोज टू बोलते हैं, और आजकल लेटेस्ट सपोज टू बहुत बोल रहा है और आपको भी बोलना चाहिए. क्वेश्चन आंसर पूछने हो तो वही शुड पहले आ सकता है, वहाँ आर पहले आ जाएगा. एम आई सपोज टू गो, क्या मुझे जाना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं. एस यू, एम आई सपोज टू गो, क्या मुझे अब जाना चाहिए, तो इसके लिए सवाल पहले आ जाएगा. व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे क्या करना चाहिए आप, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए. ठीक है, व्हाई शुड आई गो देयर, मुझे वहां क्यों जाना चाहिए. व्हाई शुड आई टॉक टू, मुझे इससे क्यों बात करनी चाहिए. कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं. मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन वर्ड, बस इन सबसे पहले लगा देना, वो क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज हो जाएगा. तो ये आपका एडवाइस का टॉपिक था, मॉडल का टॉपिक है आपका ये. वो मॉडल में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो लेकिन स्पीकिंग में इस तरीके से बोलता है. कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी हो सो राइट इन द कमेंट बॉक्स. सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय.